माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बस माशाल्लाह बड़े प्यारे जो बकरे मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये पूरे मेरे ख्याल में कोई 50-60 की एक लाट है, जिसमें बड़े प्यारे प्यारे और जानदार बकरे, जो मेरे ख्याल से आज तलहार मंडी की मलाई है ये सारे, माशाल्लाह से अच्छी अच्छी सेहत के अंदर है सारे ही। तो आज इनके रेट मालूम करते हैं अभी इनसे कि ये क्या रेट मांग रहे हैं इनके। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें आप, ये देख लें माशाल्लाह, बहुत ही कद काट के अंदर भी बड़े ज़बरदस्त बकरे हैं। ये सीना भी देखें आप माशाल्लाह से, ये भाई खड़े हैं इनके ये बकरे हैं, तो इनसे मालूम करते हैं कि ये कितने बकरे लेकर आए और लाट का क्या मांग रहे हैं या फिर एक का क्या मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सही, क्या हाल है? खैरियत से हैं माशाल्लाह। सही, कहाँ से आए? इधर से ही है, यानी तलहार मातली। ठीक है, तो कितने बकरे लेकर आए? 40 बकरे। ठीक है, अच्छा ये जो बकरे माशाल्लाह मुझे बड़े प्यारे प्यारे और कद काट के अंदर भी अच्छे दिख रहे हैं, ये चार दांत है सारे? ये तो चार के छः, कोई चार कोई छः, यानी ये चार छः हैं तब जाके माशाल्लाह इनकी ये सेहत बनी है। अच्छा चलें आप फ़ोन उठाएं फिर इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा सर, ये क्या मांग रहे हो इसका, लाट के हिसाब से भी और अगर अलग का कोई एक चूज? 2 लाख। अलग का 2 लाख और लाट में 160। अच्छा, 2 लाख रुपए का एक बकरा है ये, अगर हम अकेला लेंगे और अगर हम लाट के हिसाब से लेंगे तो ये। अच्छा, लाट में पूरी लाट है या कोई आधी भी ले तब भी 160 का पड़ेगा? 160। अच्छा चलें माशाल्लाह, ये देखें बकरे बड़े प्यारे हैं, कोई 6 दांत है कोई 4 दांत है। तो मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है, तो ये बात मेरे को मुझे पहले भी इल्म में है कि बकरे की अच्छी सेहत उस वक्त बनती है जब वो 4 दांत हो जाते हैं। जब ये 2 दांत होता है उसके बाद इसकी सेहत बनना स्टार्ट होती है और तब ये अपना कद काट निकालता है और जिस्म निकालना शुरू करता है जब ये 2 दांत का होता है। 2 दांत से पहले तक तो ये बच्चा होता है, फिर 2 दांत के बाद ही अपना अच्छा कद निकालना और अपना जिस्म बढ़ाना शुरू करता है। माशाल्लाह ये देखें इसका सीना देखें माशाल्लाह से, ये बकरा माशाल्लाह, इसका सीना भी देखें आप, ये बकरा खड़ा माशाल्लाह से देखें, इसका सीना भी देखें माशाल्लाह से, ये बोरा इसका सीना भी देखें आप, घर के बेचारा पीछे हो गया माशाल्लाह। बकरे बड़े प्यारे हैं, बड़े ही प्यारे हैं, मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं बकरे, लेकिन रेट भी ज़्यादा है, लेकिन सेहत माशाल्लाह अच्छी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इसमें तकरीबन कितना गोश्त होगा, एक इस वाले में कितना गोश्त होगा, इसमें ये वाले में घणो गोश्त थींदो? गोश्त तकरीबन 10 मण थी, 10 मण जे अंदर में हूंदो, कुझु अहिड़ो 7-8। न न, इन जो वज़न गोश्त घणो थींदो? 10 मण वज़न त मथे आहे, 1 मण जो बि हूंदो, 2 मण जो बि हूंदो। हा ठीकु आहे, इहे सम्झाए की मैंने इसको घास कितना खिलाया इहे पूछ रहो, लेकिन मैंने पूछा इसका वज़न कितना होगा, इसका गोश्त कितना होगा, तो ये बता रहा था 10 मण। ये शायद मेरी बात नहीं समझा था, फिर इसने बोला कि 1.5 से 2 मण के अंदर ये जानवर, ये बकरा जो है वो वज़न में होगा। माशाल्लाह देखें, बड़े ही प्यारे बकरे हैं, बड़े ही प्यारे बकरे हैं, मैं आपके सामने इसकी कवरेज कर रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे हेल्दी हेल्दी बकरे हैं, मारते भी नहीं हैं ये माशाल्लाह से। देखें मैं बकरों के दरमियान में हूँ इस वक्त, बहुत ही प्यारे बकरे हैं ये। चलिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ये देखें इसका सीना देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।